तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो बेसिकली ये एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इतना टाइम दैट एवरेज स्पीड इन द गैस, तो बी आरएमएस तुम देखोगे बी आरएमएस इज इक्वल टू अल्फा प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय अल्फा ये इतना टाइम्स दैट इज बी एवरेज। तो ए एवरेज का इतना टाइम्स है, बी आर एम एस इतना टाइम्स है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, पाई की वैल्यू पाई बाई थ्री, तो ये अल्फा की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं, ये इस कंडीशन को तुम सॉल्व कर लो, बी आर एम एस होता है 3 RT अपॉन यम, यहाँ से आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा, दैट इज अल्फा प्लस फाइव और ये अल्फा अंडर रूट, और एवरेज का फार्मूला होता है 8 RT अपॉन ये पाई एम, ये वाला चीज़ आपको रट्टा मार लिए होगे। तो अगर यहाँ से देखोगे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो RT खत्म, MM खत्म, तो यहाँ से तुम देखोगे हाँ यहाँ से तुम देखोगे तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई पाई इधर बचेगा अल्फा प्लस फाइव और अल्फा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए इधर 8 से, ठीक है, तो ये वाली चीज़ इधर बचेगी, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये 22 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाई 8 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 3 आ जाएगा और ये अल्फा प्लस 5 दैट इज अल्फा आ जाएगा। तो फाइनली थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तुम्हें फील आ जाता है। तो यहाँ से तुम देखोगे ये यहाँ से तो 22 66 अपॉन 56 ए मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस फाइव बाई यहाँ से इतना टाइम्स अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखो इस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 66 और 56 में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66 -56 और ये आ जाएगा 56, ठीक है। तो 56 अगर तुम देखोगे 66 और ये 56 तो यह आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 56 और यह आ जाएगा 5 अपॉन अल्फा, तो ये इसको 2 टाइम्स काट दिया और ये यहाँ से 2 और 8 16, तो अल्फा की वैल्यू 28 आ गया। तो यही हमें निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।